हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई गुनगुन, शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा रोने धोने का। कभी समर की मम्मी का ड्रामा देखो रोने धोने का, तो कभी तुम्हारा देखो। तुम दोनों को एक्चुअल में सास बहू ही बनना चाहिए। दोनों के दोनों एकदम सुपर डुपर ड्रामेबाज हो। और यहाँ पे तुम जो बोल रही हो, मुझे मर जाने का मन कर रहा है, मुझे नहीं जीने का मन कर रहा है, मैं फांसी लगा लूँगी, मैं मर जाऊँगी। कितने बार मरोगी? अभी तक तो मरी नहीं तुम। इसके आगे टैबलेट खा के मरने की कोशिश की, ऊपर से छलांग मारने की कोशिश की, समर आके बचा लिया। जब देखो समर आके बचा लेता है, तुम मर के करोगी क्या? तुमको मरना था तो आगे मरती, बिना बोले मरते हैं। ऐसे बोल के प्रचार करके कोई नहीं मरता। और यहाँ पे राधिका की मम्मी, आप जब पुलिस को कंप्लेंट की हो, पुलिस आया है आपके भाई के कहने में, तो डंके की चोट में बोलो हाँ मैंने पुलिस को बोला है, पुलिस आया था तुमको यहाँ पे थ्रेटनिंग देने के लिए। आपको तो यहाँ बोलना चाहिए। आप बल्कि बोल रहे हो कि मैं अगर पुलिस को बोलती तो मैं क्या सामने से बोलती, मैं क्या किसी डरती हूँ? आप डरते तो हो, इसे तो उसके सामने बैठ के बोलो नहीं मैंने तो नहीं किया कंप्लेंट, यहाँ पे आ गया है तुमको ऐसे करने के लिए कहा। तुम ही लोग नाटक कर रहे हो, समर की मम्मी खुद नाटक कर रही है। कोई नाटक नहीं कर रहा है, नाटक आपका है राधिका की मम्मी। आपको सही सही बोल देना चाहिए कि हाँ मैंने भेजवाया है पुलिस, क्योंकि तुम मेरी बेटी का घर की हो खराब। अब गुनगुन मैडम, दूसरे के पति को छीन के बहुत मज़ा आया, अभी पुलिस आके थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है तो तुमको दर्द हो रहा है, मरने का मन कर रहा है? पुलिस को तो सही बात बताती नहीं हो। पुलिस को तो तुमको सही बात बताना चाहिए था जो असलियत है, तब देखती पुलिस तुम्हारा क्या करता। तुम तो यहाँ पे आधी अधूरी बात और उल्टी उल्टी बात बता रही हो। तुम्हारे हिसाब से तुम प्रेग्नेंट कब हुई? समर से तब प्रेग्नेंट हुई जब समर को तुम छोड़ रही थी, तब क्या तुम प्रेग्नेंट हुई थी? इतनी झूठ बोलती हो। तुम्हारी वो एक्स्ट्रा सासू माँ, जो एक्स सासू माँ जो बैठी समर की मम्मी, वो क्या बोल रही है कि हाँ हम लोग इतने शरीफ हैं, हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप लोग अगर इतनी शरीफ हो तो जो शरीफ है उनको आप क्या बोलोगे? आप लोग की शराफत तो हम लोग से छुपी नहीं है। आप लोग सब इतने शरीफ हो कि आप लोगों को तो एक एक शराफत का सर्टिफिकेट देना चाहिए, वो भी शायद कम पड़ेगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। यहाँ तो समर की मम्मी ने राधिका की मम्मी को धमकी दे डाली है। धमकी क्या, खुला चैलेंज किया है कि अगर गुनगुन को कुछ होता है और गुनगुन अगर कुछ कर बैठती है तो आप फंसोगे, और आप ऐसा फंसोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और गुनगुन के पापा अगर कंप्लेन कर दिए तब तो आप लोग गए। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इसमें कितना ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। तो चलिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।